देश का चर्चित रियलिटी शो द कपिल शर्मा हमेशा सेट पर स्टार्स को बुलाकर दर्शकों का खूब एंटरटेन करवाते हैं। शो के जरिए कपिल ने अच्छी खासी पहचान भी बनाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द कपिल शर्मा शो के पर्दे के पीछे का सच क्या है। जी हाँ, दर्शकों ने तो कपिल का भोला भाला चेहरा ही देखा है, लेकिन सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक के साथ पूरी टीम के लोगों ने कपिल का असली चेहरा देखा है। शायद इसी वजह से सुनील ग्रोवर अपनी बेइज्जती झेल नहीं पाए और उन्होंने कपिल का शो छोड़ दिया था। अब ऐसा ही कुछ कृष्णा अभिषेक के साथ होने वाला है। दरअसल कपिल कॉमेडी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो दिल को लग जाती है। बेशक कृष्णा अभिषेक ने इसे मजाक में लिया हो, लेकिन उनकी पत्नी करिश्मा शाह को अपने पति की बेइज्जती पसंद नहीं आई। चलिए बताते हैं हम आपको पूरा माजरा, जब कपिल की बेइज्जती से कृष्णा अभिषेक ने शो को बाय कह दिया। दरअसल इस बार कपिल के सेट पर कोरियोग्राफर रैमो के साथ शो के डांसर सलमान, धर्मेश, पुनीत के अलावा कई डांसर आए। इस दौरान कृष्णा अभिषेक रैमो से नाराज दिखे। प्रोमो की शुरुआत में कीकू शारदा लड़की बनकर आते हैं और कहते हैं कि वो शो में शादी करने के लिए आए हैं। वो इस दौरान धर्मेश के साथ शादी करने की बात कहते हैं। कीकू की एंट्री ठेले पर होती है, जिसे देखकर सभी लोग ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। इसके बाद आते हैं कृष्णा अभिषेक, जो एंट्री करते ही सभी गेस्ट को सीधे बाय बोल देते हैं। कृष्णा अभिषेक को बाय बोलते कपिल पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कृष्णा कहते हैं कि इतने ज्यादा गेस्ट को बुलाने की क्या जरूरत थी। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कपिल इसे मजाक नहीं बल्कि सीरियस में जवाब देते हैं कि ज्यादा लोग हैं तो तुम चले जाओ। हालांकि कपिल का ये जवाब कृष्णा मजाक में ही लेते हैं और चुपचाप अपनी कॉमेडी खत्म करते हैं। ये सब देखकर उनकी पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काम की वजह से कृष्णा कपिल को जवाब नहीं देते। लेकिन लोगों का मानना है कि अगर इनकी जगह सुनील ग्रोवर होते तो वो सच में उसी वक्त सेट छोड़कर चले जाते। बेशक ये कॉमेडी शो है, लेकिन इस तरह से सेट पर सबके सामने किसी स्टार की बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से कपिल और सुनील के रिश्ते में दूरियां पड़ी थी, वरना इनकी दोस्ती की भी मिसाल दी जाती थी। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को द कपिल शर्मा शो में गुत्थी और रिंकू के किरदार में बहुत लोगों को हंसाते देखा गया। उनके इस रोल को खूब पसंद किया गया, उनका लुक आज भी याद किया जाता है। हालांकि सुनील को द कपिल शर्मा शो छोड़े काफी वक्त हो गया, लेकिन उनका किरदार सबसे बेस्ट बताया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि सुनील कभी इस शो को नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें इस शो से काफी लाइमलाइट के साथ रकम भी अच्छी मिली थी, लेकिन कपिल की हरकतों की वजह से सुनील को ये शो छोड़ना पड़ा था। ये तो आपने भी सुना होगा कि कपिल और सुनील के बीच काफी कहासुनी हो गई थी, जिसकी वजह से सुनील को कपिल का शो छोड़ना ही पड़ गया था। इसके बाद सुनील ने कई शोज और भारत जैसी फिल्मों में काम किया। इन दिनों वो अपने नए शो गैंग्स ऑफ अपकमिंग को लेकर सुर्खियों में है। जल्दी उनका ये शो रिलीज होने वाला है। इस शो में उनके साथ शिल्पा मसाला लगाती नजर आएंगी। इस शो के प्रमोशन के दौरान उनसे कपिल के बारे में कई सवाल पूछे गए। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के साथ दोबारा काम करने के सवाल पर कहा कि अगर किस्मत में मेरा और कपिल शर्मा का साथ काम करना लिखा होगा तो हम जरूर करेंगे। अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं दोबारा गुत्थी नहीं बनना चाहता हूँ। मतलब सुनील ने इनडायरेक्ट तरीके से कपिल के साथ काम करने से मना ही कर दिया। जब भी मेरा नया शो आता है तो लोग अक्सर कपिल शर्मा के बारे में पूछते हैं, ऐसा भी सुनील ग्रोवर ने कहा। सुनील ने आगे कहा कि हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने जब से शो छोड़ा है तब से काफी वक्त बीत गया, वक्त काफी चीजें बदल देता है। कि सुनील की शो में काफी बेइज्जती की गई। सुनील ने बताया कि उनके शो में उन्होंने खुद की फीस भी काटी है, उन्हें जितने भी इस शो में पैसे मिलेंगे वो दान में लगाएंगे। टीवी का चर्चित शो द कपिल शर्मा शो देश भर का पसंदीदा शो है। कपिल ने इस शो से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। कपिल के शो में मशहूर हस्तियां आती हैं और दर्शकों का खूब एंटरटेन करती हैं। कपिल कॉमेडी करते करते स्टार्स की पर्सनल लाइफ तक चले जाते हैं, तो वहीं कई स्टार्स कपिल की भी पोल खोल देते हैं। कपिल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं, और इस बार तो कपिल की खबर ने लोगों को झटका ही दे दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कपिल के घर में भी इतनी बड़ी महाभारत छिड़ सकती है।
कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, वही हाल कपिल का है इस टाइम, जो घर में माँ और पत्नी के झगड़े निपटाते निपटाते परेशान हो चुके हैं और आखिर में कपिल को अपनी माँ की वजह से पत्नी से दूर ही होना पड़ा। जी हाँ, कपिल ने एक स्टार के सामने अपनी पत्नी और माँ के झगड़ों को लेकर बड़ा खुलासा किया। कपिल ने बता दिया कि वो अब अपनी पत्नी से बात नहीं करते क्योंकि माँ को बुरा लगता है, माँ की वजह से पति पत्नी दूर हो चुके हैं। दरअसल कपिल के शो में सुरेश रैना पत्नी प्रियंका के साथ पहुंचे थे। इस दौरान तीनों ने खूब मस्ती की और साथ ही कई खुलासे भी किए। कपिल ने जब प्रियंका से उनकी सास के साथ बॉन्डिंग को लेकर कई सवाल पूछे, ऐसे में कपिल को अपने घर का हाल याद आ गया और वो कहने लगे कि बेटी के जन्म के बाद वो अपनी पत्नी की और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि एक माँ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कपिल ने कहा कि मैंने ऐसा फील किया कि गिन्नी बेटी को जन्म देने के बाद उसकी देखभाल में इतना बिजी हो गई कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। कपिल ने माँ के सामने गिन्नी की तारीफ ही कर डाली। गिन्नी से कहा कि बेटी के जन्म के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर माँ नाराज हो गई। कपिल और गिन्नी को माँ का ऐसा बर्ताव नहीं पसंद आया और वो पूछ ही लेते हैं। इसके बाद माँ भी गुस्से में कहती है कि मैंने भी तीन बच्चों को जन्म दिया, कभी मुझे नहीं ये बात बोल दी। ये बात सुनकर गिन्नी को भी बुरा लगता है और तब से कपिल माँ के सामने गिन्नी की कोई तारीफ ही नहीं करते और उनसे दूर ही रहते हैं। कपिल ने शो में कहा कि हमें अपनी पत्नी की देखभाल तो दिख जाती है लेकिन माँ की नहीं दिखती है, तो पत्नी के साथ माँ की भी तारीफ करके उन्हें खुश रखना चाहिए। कपिल की इस बात को सुनकर सुरेश रैना, प्रियंका और अर्चना पूरन सिंह जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। आपको बता दें 2018 में कपिल ने गिन्नी चतरथ से शादी की थी, दोनों की एक साल की बेटी भी है। कपिल अक्सर अपनी क्यूट सी बेटी के साथ फोटो शूट करवाते रहते हैं। आपको बता दें कपिल इन सब के अलावा सुनील ग्रोवर के साथ अनबन को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। कई बार कपिल सुनील को लेकर कई गलत बातें भी बोल चुके हैं जो सुनील को पसंद नहीं आई। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को द कपिल शर्मा शो में गुत्थी और रिंकू के किरदार में बहुत लोगों को हंसाते देखा गया। उनके इस रोल को खूब पसंद किया गया, उनका लुक आज भी याद किया जाता है। हालांकि सुनील को द कपिल शर्मा शो छोड़े काफी वक्त हो गया लेकिन उनका किरदार सबसे बेस्ट बताया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि सुनील कभी इस शो को नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें इस शो से काफी लाइमलाइट के साथ रकम भी अच्छी मिली थी, लेकिन कपिल की हरकतों की वजह से सुनील को यह शो छोड़ना पड़ा था। ये तो आपने भी सुना होगा कि कपिल और सुनील के बीच काफी कहासुनी हो गई थी जिसकी वजह से सुनील को कपिल का शो छोड़ना ही पड़ गया था। इसके बाद सुनील ने कई शोज और भारत जैसी फिल्मों में काम किया। इन दिनों वो अपने नए शो गैंग्स ऑफ अपकमिंग को लेकर सुर्खियों में है। जल्दी उनका ये शो रिलीज होने वाला